ये दुनिया मतलब की है, यहां कौन किसी का होता है, धोखा वही दे जाते हैं जिन पे भरोसा होता है। ये दुनिया मतलब की है, यहां कौन किसी का होता है, धोखा वही दे जाते हैं जिन पे भरोसा होता है। तूने जो कमाया है, तूने जो दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। पहले के लोगों ने कहा साहेब उतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए और मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। लेकिन अब के लोगों ने कहा, आज के लोगों ने कहा शाही उतना दी सात पुष्ट तक खाए और मैं तो भूखा ना रहूं, चाहे देश भाड़ में जाए। इसलिए तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया पायर खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया पायर खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। अगर पास हो पैसा तो खुद ब खुद जुड़ जाते हैं रिश्ते,
अगर पास ना हो पैसा तो खुद ब खुद छुड़ जाते हैं रिश्ते। हाय पैसा हाय पैसा, जग में इतना बढ़ गया पैसा कि आज हम सबों की वजह से भगवान पर भी चढ़ गया पैसा, भगवान पर भी चढ़ गया पैसा। कभी ने लिखा, जब तलक ये सांसे हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। मेरे मन में एक प्रश्न हुआ, सोनू बावला जिसके लिए तुम लड़ रहे हो, जिसके लिए तुम मर रहे हो, जिसके लिए तुम कर रहे हो, कभी सोचा है कि वो तुम्हारे साथ कितना दूर चलेगा? मैंने जब सोचा तो उस सवाल का जवाब मिला, क्या कौन कितना दूर साथ चलेगा बताता हूं। बेटी तो साथ दे, और दोस्त यार साथ देंगे केवल शमशान तक। बेटी तो साथ देगी केवल कन्यादान तक, दोस्त यार साथ देंगे केवल शमशान तक, और पत्नी जो सात जन्मों की साथी होती है। बीबी तो साथ दे केवल मकान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो सिर्फ अग्निदान तक। इसलिए जब तलक ये सांसे हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसे तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस जिस घड़ी टूटी, सांस जिस घड़ी टूटी रिश्ता टूट जाएगा। सांस जिस घड़ी टूटी रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। इंसान जीते हैं सिर्फ अपने आप को, समाज में देखते हैं सिर्फ अपने आप को। एक बूढ़े माँ बाप पाल सकते हैं दस दस बच्चे, पर दस बच्चे मिलकर पाल सकते नहीं एक बूढ़े माँ बाप को। वैसे औलाद के लिए कहना चाहूंगा, वैसे बच्चों के लिए कहना चाहूंगा, यूं ही कोई किसी का सैदा नहीं होता,
उनका जो कभी अलहदा नहीं होता। यूं ही कोई किसी से सैदा नहीं होता। एक है रंग खून का जो कभी अलहदा नहीं होता। अरे यदि जन्म देने से डर जाती हम सब की माएं तो शायद इस जहां में बेधड़क कोई पैदा नहीं होता, कोई पैदा नहीं होता। इसलिए जीते जी कमाया तूने नाम वो सुकून का। जीते जी कमाया तूने नाम वो सुकून का। हमारे जितने रिश्ते हैं सभी रिश्तों में पहले पुरुष का नाम आता है, फिर स्त्री का नाम आता है। जैसे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, भैया भाभी। लेकिन एक वो रिश्ता है जिस रिश्ते में पहले स्त्री का नाम आता है फिर पुरुष का नाम आता है। वो कौन रिश्ता है? जोरदार ताली इनके लिए, माता पिता। माता तब पिता। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारे देव है और देवताओं के नाम में पहले स्त्री का नाम आता है फिर पुरुष का नाम आता है। जैसे राधे कृष्ण, सीता राम, गौरी तब शंकर। इसलिए जीते जी कमाया तूने नाम वो सुकून का। जीते जी कमाया तूने नाम वो सुकून का। बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको राम याद आएगा। बाद मरने के तुझको राम याद आएगा। बाद मरने के तुझको राम याद आएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। लेकिन खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना नहीं है, कुछ ना कुछ लेकर के जाना है। क्या लेकर के जाना है? इधर बच्चे लोग कह रहे हैं प्रसाद। नहीं, क्या लेकर जाना है? जो भजन करेगा, जो कीर्तन करेगा, जो प्रभु का माला का जाप करेगा, जो यश कीर्ति कमाएगा वही लेकर के जाएगा। इसलिए कहना चाहूंगा दोनों हाथ उठा के जो, दोनों हाथ उठा के जो, दोनों हाथ उठा के जो तालियां बजाएगा। बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको यही साथ जाएगा। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्वीर्णम् ब्रूमेव दिवा सर्वकारेषु सर्वदा ओम जयंती मंगला काली।
भद्री काली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते संगीत में रंगने वाले तमाम रंगदारों को एहतराम करता हूं। संगीत में रंगने वाले तमाम रंगदारों को एहतराम करता हूं। चेयर पे बैठे चेयरमैन को सलाम करता हूं। करता हूं नमन चौकी पे बैठे चौकीदारों को। करता हूं नमन चौकी पे बैठे चौकीदारों को। और मैं सोनू बाबला सर झुका करके अदब से जमीन पे बैठे जमींदारों को प्रणाम करता हूं। महामाई का दरबार लगा हुआ है, जो सृष्टि की रचना करने वाली सृष्टि की रचयिता कहलाती है, उस महामाई का दरबार लगा हुआ है, जो पूरे अखंड ब्रह्मांड की मालकिन कही जाती है, जो सभी देवताओं की मां कहलाती है, उस महामाई का दरबार लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि उस महामाई को नहीं पूजना है जो हम सभी देवताओं की हम सभी की मां कहलाती है, देवी देवताओं की मां कहलाती है, उस महामाई को नहीं पूजना है। पूजना है तो सबसे पहले अपने घर के माता पिता को पूजना है, क्योंकि कहते हैं संसार सागर है अगर माता पिता एक नाव है, और जिसने दुखाई आत्मा इनकी डूबता मझधार है। जिसने भी कर ली सेवा इनकी उसका तो बेड़ा पार है। माता पिता परमात्मा मिलते न दूजा बार है। बोल अपने अपने माता पिता की मात पिता और गुरुजनों के जिनके सर पे हाथ है। मात पिता और गुरुजनों के जिनके सर पे हाथ है। और सभी को जरा दोनों हाथों को खोल देंगे सीधे सीधे लंबे लंबे आसमान की तरफ, और मेडी मेडी ताली लगाते हुए कहना है क्या कि चारों तरफ खुशियां ही खुशियां माता जी के पास है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां माता जी के पास है। मात पिता और गुरुजनों के जिनके सर पे हाथ है। मात पिता और गुरुजनों के जिनके सर पे हाथ है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां माता जी के पास है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां माता जी के पास है। Yeah.
जिसने तुझको जन्म दिया उस मैया को तुम ना भूलो, जिसने तुझको पाला है उस पिता के चरणों को छू लो। जिसने तुझको जन्म दिया उस मैया को तुम ना भूलो, जिसने तुझको पाला है उस पिता के चरणों को छू लो। इनके चरणों में तेरी, इनके चरणों में तेरी, इनके चरणों में तेरी सुख भरी सौगात है। जरा हाथ उठा करके बताएंगे कौन ऐसे भक्त हैं जो अपने माता पिता को नहीं मानता है। वो आप नहीं मानते हैं, आप भी नहीं मानते हैं। आपके लिए कहना चाहूंगा, बात अच्छी लगे तो थोड़ी सी ताली से आशीर्वाद चाहूंगा। प्यार पत्नी का क्या मिला तुझको, तू हुआ अंधा तेरे ढंग बदले, और जिसने तुझे पैदा किया उसे भूल गए, गिरगिट की तरह तूने रंग बदले। आजकल के नौजवान, आजकल के बच्चे अपने पत्नी से कहते हैं, अपने बीबी से कहते हैं, भाई बहन रोता है तो रोने देना, भाई बहन रोता है तो रोने देना, साला साली आए तो खिलौने देना। ओ बूढ़ी माँ है मेरी माँ, ओ बूढ़ी माँ है चटाई पर भी सो लेगी, सास अगर आए तो मखमल के बिछौने देना। वैसे औलाद के लिए कहना चाहूंगा कि हाय रे जमाना तेरी हद हो गई, हाय रे जमाना तेरी हद हो गई, और मदर के आगे बीबी, बीबी के आगे मदर रद हो गई। हाय रे जमाना तेरी हद हो गई, पत्नी के आगे माँ रद हो गई, जिसने तुझे पाला पोसा वो तेरे लिए मोहताज हो गई, और कल की छोकरी तेरे सर की ताज हो गई। जरा हाथ उठा करके बताना कौन कौन अपने माता पिता को मानते हैं, और मीठी मीठी ताली लगाते हुए कैसे कि चारों तरफ खुशियां ही खुशियां माता जिनके पास है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां माता जिनके पास है, मात पिता और गुरुजनों के जिनके सर पे हाथ है, मात पिता और गुरुजनों के जिनके सर पे हाथ है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां माता जिनके पास है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां माता जिनके पास है। कहना चाहूंगा छुप के तन्हाई में रोने की जरूरत क्या है, छुप कर तन्हाई में रोने की जरूरत क्या है, अब समझ में आया कि मोहब्बत क्या है, छुप के तन्हाई में रोने की जरूरत क्या है, अब समझ में आया कि मोहब्बत क्या है, बेटा कहलाने के लायक नहीं वो बेटा,
जो पूछे अपने माँ से तेरे दूध की कीमत क्या है। जरा अपने अपने माता पिता के लिए दोनों हाथों को खोल करके और मीठी मीठी ताली लगाते हुए कहना है क्या, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ माता जिनके पास है, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ माता जिनके पास है, माता पिता और गुरुजनों के जिनके सर पे हाथ है, माता पिता और गुरुजनों के जिनके सर पे हाथ है, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ माता जिनके पास है, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ माता जिनके पास है, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ माता जिनके पास है, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ माता जिनके पास है, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ माता जिनके पास है। बोल सच्चे दरबार की।